एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी नमन, मन का भटकना क्या है, मन का एकाग्र होना क्या इसके विपरीत है? यदि मन भटकेगा नहीं तो एकाकी हो जाएगा और बोर्डम आने लगेगी क्या? मन भटकना जिसको हम कहते हैं, वो देखा जाए मन के प्रति हमारी सजगता की कमी होती है। मन कोई ठहरी हुई घटना नहीं है, वस्तु नहीं है। मन एक प्रक्रिया है, मन एक प्रवाह है। हमारे विचारों, भावों, अनुभवों, स्मृतियों, संस्कार बद्धताओं, इन सब का एक मिला हुआ रूप, वो है मन। अस्तित्व इस मन का निर्माण हमारे शरीर के साथ ही करता है, जिससे कि जीवन ठीक से संचालित होता है। मन अपने ढंग से ही गति कर रहा होता है, लेकिन जब हम सजग नहीं रहते तो हम मन को अपने ही कल्पनाओं के बिखराव से जोड़ देते हैं। यानी बिखरी बिखरी सी कल्पनाएं हमारी हैं, थोड़ी इधर थोड़ी उधर। कल्पनाओं को भी संयोजित करके बहुत सुंदर ढंग से हम आगे जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर सब कुछ बिखरा बिखरा सा भटकता हुआ मन हमको नजर आता है कि कहीं यहाँ कहीं वहाँ। अगर हम मन के साथ सजग हो पाए, मन की धारा के साथ, तो बहते हुए मन के साथ हम देखेंगे कि भटकाव नहीं है, वो एक किस्म का मार्गदर्शन भी है। जो लोग सजग हो जाते हैं अपने भीतर, उनका मन ही उनको मार्गदर्शन देता है, उनको पथ दिखाता है। और हमको कहाँ से पता चलता है जीवन में किधर जाना है? और जो बात पूछी एकाग्रता, एकाग्रता क्या भटकने के विपरीत है? एकाग्रता भी मन का ही एक गुणधर्म है। भटकता हुआ मन निश्चित ही एकाग्र नहीं होगा, लेकिन जो सजग मन है, यानी कि मन के प्रति जो सजगता है हमारी, वही मन को एकाग्र भी बनाती है। अर्थात मन की जो शक्तियां हैं उनको हम नियोजित करके उपयोग में ले आते हैं। जैसे बहती हुई नदी, उसका बहाव अपने ढंग से जा रहा है, लेकिन हम कभी किसी विशेष ढंग से उस नदी के पानी को नियोजित भी कर सकते हैं। वही तो हम डैम बनाते हैं, एक नियंत्रित ढंग से उस पानी का उपयोग करते हैं, उससे बिजली निर्माण करते हैं, शक्ति आती है उससे। कैसे होता है? क्योंकि शक्ति तो उस मन के बहाव में या नदी के बहाव में थी ही, दोनों एक ही तरह से अगर देखें तो। अब ये जो डैम बनाने का प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी है। तो अब हम अपने मन के साथ भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। कभी हम शांत होकर उसके बहाव को थोड़ी देर रोकते हैं किसी बिंदु पर, तब वहाँ वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से, ज़्यादा शक्तिशाली ढंग से अपना काम करता है। ये काम केवल सजगता से ही संभव। अगर हम सोए सोए रहेंगे तब तो फिर मन अपने ढंग से जा रहा है, जिधर भी उसको जाना है, नुकसान वहाँ भी नहीं। लेकिन हम जब आधे सोए आधे जागे होते हैं तब नुकसान होता है कि अभी अपनी करवटें ले लेकर हम सपने देखते रहते हैं और मन को इधर उधर महसूस करते हैं कि भटक रहा है। अगर हम देखें कि जीवन हमारे बिना हस्तक्षेप के चल रहा हो तो भी सुंदर चलता है। और हस्तक्षेप की बात अगर कहें तो हस्तक्षेप ना होकर उसमें सचेतन जो व्यवस्था है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। हस्तक्षेप नहीं किया हमने, लेकिन हम सचेतन होकर अब मन का हम एक खास दिशा में उपयोग करेंगे। कोई चिंतन हो सकता है, कोई अभिव्यक्ति हो सकती है, कोई कार्य हो सकता है, वहाँ पर मन में उस एकाग्रता की शक्ति का भी अनुभव किया जाएगा। लेकिन ये बिना सजगता के संभव नहीं होगा। अध्ययन जब हम कर रहे हैं, देखिए कोई माने कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, एकाग्र होकर सुनना पड़ता है। कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, एकाग्र होकर सुनना पड़ता है। कोई हम ऐसा तकनीकी काम कर रहे हों, हमको एकाग्र होकर उस पर फोकस करना होता है। वही मन जो निरंतर बह रहा था, वो वहीं वहाँ पर केंद्रित होकर
हमारे उपयोग में आ जाता है। ये सब हमारे मन की ही अंतर्निहित संभावनाएं हैं। अब प्रश्न में ये भी बात लिखी, अगर मन भटकेगा नहीं, ठहरा हुआ होगा, तो क्या बोर्डम नहीं आ जाएगी? बोर्डम ही है भटकना। भटकते हुए मन से कौन सा व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया है? कभी इस पर गौर से देखिए। जिसको हम बोर्डम कहते हैं वो यही है कि हम हैं यहाँ और होना कहीं और चाह रहे हैं, बैठे यहाँ हैं कल्पना कहीं और की कर रहे हैं, यानी कि हम वर्तमान में हैं ही नहीं। जिसको मन का ठहराव कहते हैं, वस्तुतः वो मन का ठहराव नहीं है, वो हमारे भीतर हमारा ठहराव है, हमारी जीवनधारा का, हमारे चैतन्य का ठहराव, उसका अनुभव। मन तो अपने ढंग से बह रहा है, विचार आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई और बादल भाव के आ जाएंगे चले जाएंगे, उस धारा को आप नहीं रोक पाएंगे, रोकना भी नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, जब आप अपने भीतर ठहरेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए जो मन का बहाव है वो मध्यम हो जाए, शांत हो जाए, तो हमको लगे कि मन नहीं है। लेकिन मन तब भी होता है, मन कभी मिटता नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे साथ ही जाता है, हमारे साथ आता है, हमारे साथ जाता है। तो ये कोशिश करना कि मन को कोई मिटा देगा, मन को पूरी तरह शांत कर देगा, ये उसका भ्रम है। मन की धारा मध्यम हो सकती है, इतना ही होता है। बस जब हम ठहरे हुए हैं तो कोई बोर्डम का सवाल ही नहीं, प्रसन्नता ही है एक ठहराव में। तो पहले तो अपने मन की धारा के प्रति जागें और उससे डिटैच हो जाएं। डिटैच हो जाएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, मन अपनी गति से चलता रहेगा, तेज, मध्यम, शांत, बाकी हमारा होना हो जाएगा वर्तमान में। और जो वर्तमान में हो गया, अपने आंतरिक ठहराव में टिक गया, उसके जीवन में बोर्डम कहाँ? वो तो एक अकारण प्रसन्नता से ऐसे ही भरा रहेगा। बोर्डम वाला व्यक्ति वही है जो वर्तमान में ठहरे नहीं है, भटक रहा है। मन के प्रवाह के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो भी भटकने लगा है, अतीत, भविष्य, यहाँ वहाँ, वो सारी समस्या है। तो एक ठहरे हुए आंतरिक तल पर व्यक्ति के साथ कोई भी बोर्डम नहीं होती, और मन की गति सहज और निर्मल होती है, एक नदी की धारा की तरह। और वैसे मन को जब जो आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता हो, वहाँ पर एकाग्र किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। बस इतना सा है, ये छोटा सा कौशल है, कला है, जिसको व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। यही सचेतनता की कला है, जिसमें हर सीकर को प्रवेश करना चाहिए।